जगवीर जी, राष्ट्रीय कार्यालय का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, हिंदू जो है कैसे संगठित? देखो, हिंदू को संगठित करने के लिए हिंदुओं को जगाने की ज़रूरत है जी। और हम जगाने का काम कर रहे हैं राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के द्वारा जी। हम अपने राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के 11 उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जी। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और संगठन को मजबूत करा जाए और हर हिंदू के घर जा जाके, मोहल्ला जा जाके उनको जगाने का काम करेंगे। हर हिंदू की संगठन द्वारा बात सुनी जाएगी और आगे रखी जाएगी। मेरा नाम चौधरी अवतार सिंह है, मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ, लेकिन आजकल मैं रुद्र उत्तराखंड में मेरा निवास है। देखिए, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी परमार जी ने बताया है, हमारा जो राष्ट्रीय हिंदू महासंघ है, हम इससे एक ही उद्देश्य के जुड़े हैं कि क्यों ना जो हमारे आज हिंदुओं पर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको संगठित किया जाए। आज जैसा कि हमारी हिंदू संस्कृति दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है, क्यों? क्योंकि आज हमारे जो बच्चे हैं वो रामायण और गीता के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। और मेरा सभी हिंदुओं से अनुरोध है जो मेरी बात को सुन रहे हैं कि वो सबसे पहले अपने बच्चों को गीता और रामायण के बारे में संपूर्ण ज्ञान दें, ताकि हमारे बच्चे जब हमारी हिंदू संस्कृति पहचानेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे बच्चों को जो कुछ समुदाय धर्म प्रवर्तन कर रहे हैं वो उससे बच पाएंगे। और भी काफ़ी उद्देश्य हमारा, जैसा कि हम हिंदू संगठित करना चाहते हैं कि हमारे भारत में जो राम मंदिर नहीं बना, सभी उसके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि हमारी सरकारें तक ये आवाज़ जाए और हमारा चुनाव से पहले पहले हमारे यहाँ पे राम मंदिर बन जाए। दूसरा, राम मंदिर से भी जो सबसे बड़ा अहम महत्वपूर्ण कार्य है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि आज हमारे भारत देश में दिन प्रतिदिन एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ती जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि जब देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसका सर नुकसान क्या होगा? आज हम हिंदुत्व की बात करते हैं, अच्छी बात है, उसका नुकसान ही होगा कि आने वाले समय में लोगों में ना पानी मिलेगा ना राशन मिलेगा, बहुत समय खराब होने वाला है यदि हिंदू अब संगठित नहीं हुआ। और अगर हमारे दो हैं तो सबके दो होने चाहिए। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप वोट का अधिकार, ये मेरी थोड़ी सी मतलब वो सलाह है कि वोट का अधिकार उन लोगों को दें जिनके दो बच्चे हैं और सरकारी नौकरियों में उन्हीं को योगदान के दो बच्चे हैं। और मैं बात करता हूँ आरक्षण की। आरक्षण हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है जो आज हमारे लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। आरक्षण मैं कहता दो, लेकिन योग्यता के आधार पर दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना, जो योग्य व्यक्ति उसी को आरक्षण दिया जाए। चौहान साहब, क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्यालय के माध्यम से हिंदुओं को? मैं कार्यालय के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे सभी हिंदू भाई संगठित हों और उनको एक नेतृत्व की आवश्यकता थी जो हम राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का कार्यालय बनाकर उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक इच्छा के साथ कि सभी लोग एक हिंदुत्व के ज्वाला में जलें और एक हिंदुत्व का नारा उठाएं। जहां तक आरक्षण की बात मेरे भाई ने कही है तो आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। दूसरी, जनसंख्या नियंत्रण की बात है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, हमें आशा है कि बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाएगी, उससे सारा संतुलन जो बिगड़ा हुआ है वो संतुलन कायम होगा। दूसरी एक और चीज़ है कि हम हिंदुत्व के नारे को तो लेकर आगे बढ़ते हैं, परंतु हमारे मन में वो ज्वाला जैसे कि दूसरे समुदाय में देखी गई है कि एक जगह अगर कोई भी समुदाय का लोग इकट्ठा होता है नमाज पढ़ने के लिए, दूसरे कार्य के लिए, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 एक इतना बड़ा जमावड़ा पैदा हो जाता है। उसमें हमारी सरकार की विफलता भी रही है, जैसा कि अभी इसराइल में देखा गया है। इसराइल मुस्लिम प्रधान देश है, वहाँ भी ऐसी कोशिश की गई थी, एक चौराहे पर सब मुसलमान लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें मैंने देखा कि किस तरह सरकार ने उनको वहाँ से 10 मिनट के अंदर हटा दिया, जो हमारी सरकार करने में असमर्थ रही है। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। एक मुद्दा और है राम मंदिर का, जो सब लोगों को हाथ किए हुए है कि राम मंदिर, 4.5 साल की सरकार बीजेपी की हो गई है, राम मंदिर कब बनेगा? अगर आज उनका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों में लगभग बहुमत है, 17-18 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, अगर आज मंदिर नहीं बनेगा तो मंदिर आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो
तो ये भी मैं दावा से कह सकता हूँ कि दूसरी सरकार कभी भी मंदिर नहीं बनवा पाएगी, क्योंकि उसका और बीजेपी दोनों की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अलग है। बीजेपी से हमें उम्मीद है, आशान्वित हैं कि इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दे को सुलझाएगी और हमें एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम पूजा अर्चना अपने ईश्वर की कर सकें वो स्थान हमें प्रदान करेगी। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। जैसा कि मेरे अन्य साथी जी ने कहा है, राम मंदिर तो इस देश की आवश्यकता है, श्री राम में देश की आस्था है। ये मंदिर था पहले और बहुत से हमारे मुस्लिम साथी इस बात को मान चुके हैं, लिखकर दे चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में संगठन पहुंचा रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद हमें सबको आशा है कि कुछ ही महीनों के अंदर राम मंदिर का निर्माण होगा, ऐसी हम सबको विश्वास है, पूरा विश्वास है। जी आप बोलेंगे। मेरा गोरक्षा कानून भी बनना चाहिए, हिंदू महासंघ किस तरह के पीछे? गोरक्षा कानून बनना चाहिए और गोरक्षा को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, क्योंकि गोमूत्र, गोबर जिसका वैज्ञानिकों ने भी परीक्षण करके बताया है कि जैसे कैंसर के इलाज में और जैसे आज के उसमें जैसे मच्छरों का बड़ा है, तो अगर हम उपला जला दें गाय के गोबर का तो वातावरण भी शुद्ध होता है और हमारा पर्यावरण भी सुधरता है। इसके साथ ही गोरक्षा के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा, हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म जो है हमारा सनातनी धर्म है और सबसे पुरानी सभ्यता है हिंदू धर्म। हम किस चीज़ में बटे हुए हैं, अभी तक भी इतने वर्षों बाद 5000 साल से भी पुरानी पत्ती है, अभी तक भी हम बटे हुए हैं आर्य द्रविड़, कोई कहता है द्रविड़ है, कोई कहता है आर्य है। हम अपने आप को हिंदू क्यों नहीं कहते, हम सनातनी क्यों नहीं बोलते? शुरुआत कहाँ से करनी होगी हिंदू धर्म की? 1300 लोग आकर के, अंग्रेज लोग इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या पर आकर 100 वर्षों तक राज करते हैं, किस लिए? आपसी फूट की वजह से। क्यों आज इसका घर सुरक्षित है तो ये चाहता है मेरा घर सुरक्षित रहे, मेरे पड़ोसी का घर बिगड़ रहा है तो मैं उसको सहयोग ना तो करूँ। अगर यही करा होता तो आज अंग्रेजों ने भारत पर राज नहीं किया होता, मुगलों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया होता। भारतवर्ष आप देख लीजिए, ईरान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बर्मा, भूटान, ये सब कभी भारतवर्ष था? आज भारत का हिस्सा सिकुड़ करके छोटा सा रह गया, किस लिए? इसके लिए पूरे जो पूर्ण रूप से दोषी हैं वो हम हिंदू हैं। हिंदू क्यों संगठित नहीं है, यही सबसे बड़ा कारण। आपका संघ है इसमें जो है मौजूदा सरकार से जो नाराजगी जो है मुझे दिखी, वजह क्या? देखिए, हमारी कोई किसी भी सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है, हम मोदी समर्थक थे, आज भी हैं। हमारी सरकार से निवेदन है कि जैसे सरकार ने हमसे बोला था कि सत्ता में आएंगे हम राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे और समान नागरिकता लाएंगे, लेकिन आज ये सभी कार्य नहीं हुए। हमारा आज सरकार से अनुरोध है कि हमारी आवाज़ को सुने और हमें भी न्याय दें, जिसके हम चाहते हैं। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो हमारी बात को समझें और हमारी भावना को आहत ना करें और जल्दी से जल्दी हमारे देश में राम मंदिर बनना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यहाँ लागू होना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे यहाँ बनना चाहिए, हम दो हमारे दो, और जो आज सुविधाएँ हैं वो आज मतलब हम हिंदुओं को इतनी नहीं मिल रही जितना कि अदर समुदाय को मिल रही है। आज हमारा हर नेता उनकी वोट के लिए दूसरे समुदाय के लोगों के पास जाता है, ये ठीक है, उसकी अपनी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं अपने सभी भाइयों से प्रार्थना करूँ सभी संगठित हों और अपने भारत की संस्कृति बचाने हेतु अपना ये कार्य करें और जनसंख्या नियंत्रण कानून हेतु हम सभी सरकारों से, जो हमारे मंत्री हैं, हमसे अनुरोध करेंगे कि वो जल्द से जल्दी हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या यदि नियंत्रण में रहेगी तो सारा संतुलन बिल्कुल सही रहेगा। और हमारे भारत में जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तो यहाँ सब कुछ जीवित है, यहाँ पूजा अर्चना भी सब कुछ होगा, लेकिन जिस दिन हमारे यहाँ से हिंदुओं की जनसंख्या घट जाएगी तो हमारे यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हिंदू महासंघ की अपेक्षाओं पर अगर ये सरकार खड़ी नहीं उतरी तो हिंदू महासंघ का रवैया क्या रहेगा? अभी तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है, जो हमारा संघ है, कि हम अपना आदरणीय मोदी जी से हमारा अनुरोध है कि वो हमारी बात को सुने और उसके बाद जैसा कि हमारे संघ के हमारे भी बड़े अधिकारी हैं वो जो भी उचित निर्णय लोगे मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि अभी मेरे से भी बहुत बड़े अधिकारी हमारे संगठन में हैं और उसके लिए जो भी हमारी उचित कार्रवाई होगी तो मैं उनके साथ रहूँगा हमेशा।
जोगेश्वर प्रसाद को पूरी थी जी। हमारा मेन मकसद आज सबका इकट्ठा होना, एकत्र होने का ये मतलब था कि सबसे पहले तो गाय के ऊपर कानून बनना चाहिए जी। ये बिल्कुल गाय के अगर कोई कहीं भी कोई करती हुई मिली उनको फांसी होनी चाहिए सबसे पहले जी। ठीक है, एक तो कानून बनना ही बनना चाहिए, दूसरा सबसे पहले कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर जिनके दो बच्चे हैं सरकारी नौकरी उन्हीं को मिले, और सरकार कोशिश करे कि जितने भी सरकारी नौकरियां हैं हिंदुस्तान में सबके परिवार को एक ही मिले। किसी के परिवार में 10 मेंबर हैं तब तक गरीबी नहीं जाएगी। हम लोगों का मेन मकसद इकट्ठे होना यही है, हम इसको भी कर लें शुरू। दूसरा, एक जैसे फौज है जो सैनिक हमारे लिए जान दे रहा है, हम जितने भी संपन्न परिवार हैं जिनके की 2 लाख 1.5 लाख रुपए से महीने की साल की इनकम है, महीने की इनकम है सर, साल की इनकम है साल में, उनके सीधे खाते से पैसा कटना चाहिए सैनिक के लिए जी। उसके परिवार सैनिक के परिवार को इधर उधर भटकना ना पड़े, उनके बच्चों ये हम लोग कर रहे हैं अभी, हम लोग कर रहे हैं हिंदू महासंघ ये मांग कर रहे हैं। हाँ नहीं, मांग नहीं कर रहे हम लोग, अभी इकट्ठे हो रहे अभियान कर रहे हैं। आप मतलब आप इंडिविजुअली मांग करते हैं या हिंदू महासंघ की मांग? हम हिंदू महासंघ के थ्रू हम अभी अभियान चलाएंगे सारा, इकट्ठे होंगे सारे, इकट्ठे होकर इस बात को रखेंगे। ये चीजें हमें 4-5 चीजें हमें मेन उसके लिए हमने आज इकट्ठे हुए हैं, फिर हम बड़ा उसके बाद धीमे धीमे बड़ा अभियान करेंगे। धीमे धीमे हमारा यही हुआ है कि सबसे पहले तो गो उस पर फांसी होनी चाहिए और एक कानून बनना चाहिए, कोई भी समुदाय हो जी। दो सबके लिए बराबर होना चाहिए कानून, आरक्षण वजह बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए, बिल्कुल जड़ से ही, और मिलना भी सिर्फ उसको मिले जो बिल्कुल बिल्कुल आर्थिक आधार पर जी। हम लोगों का तुम्हारा यही मतलब, और आगे हम बड़ा अभियान चलाएंगे इस बारे में।